अच्छी लग रही है भाई। इनकी अलग डिस्कशन चल रहा है, क्या हो गया, क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? अरे यार वो वहां से भी वैसा हो गया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं यार, कोई नहीं, लगी तो नहीं ना किसी के। बात वो ठीक है, लेकिन यार ध्यान आप तो भाई साहब थक गया है अभी, जस्ट जिम से आया हूँ। अब मेरे पास टोटल 15 मिनट है सारी चीजें करने के लिए। कल रात को पनीर की सब्जी बनाई थी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रोटी के लिए मतलब आटा भी गूंधा हुआ है, तो आज मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में मतलब जब जाता हूँ तो मैं वो लेके नहीं जाता हूँ, क्या लंच लेके नहीं जाता हूँ। बाय द वे कल रात को सोते सोते मैंने हेलमेट ना बना ही दिया, देखो आपको देखो ये एक मैंने एक साथ थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। जैसे एक यहाँ पे एमसील लगा दी, एक यहाँ एमसील लगा दी, तो ये देखो यहाँ मेरा माइक है और ये एमसील और यहाँ पे भी एमसील से पूरा तार सेट कर दिया। यहाँ इसके अंदर बचे हुए जितने वायर बचे हुए थे वो हटा डाल दिए। ये जो ऑक्स वाली केबल है ये यहाँ पे और ये इस जगह पे लग जाएगा। मैं इसके सेटअप का एक प्रॉपर टूर करूंगा, टूर तो नहीं मतलब इसके सेटअप का एक प्रॉपर आपको दिखाऊंगा एक वीडियो बना के, कि मेरा मतलब पूरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप क्या है मोबाइल से। देखो एज अ मेरे को भी बाहर टाइम बहुत मन होता था देखने का कि कैसे होता है, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम जब मेरे को पता नहीं था तो खुद से अपनी दिमाग लगा के बुद्धि लगा के मैंने क्या करा था, एक मतलब सिर्फ माउंट को चिपका दिया था, ठीक है, मतलब मोबाइल में सॉरी हेलमेट में माउंट को चिपका दिया था। बट उससे नहीं हुआ ना, क्योंकि वो एक एंगल नहीं बना था। फिर हमें मेरे को बाद में पता चला एक जे माउंट आता है उसको लगाना होता है, फिर उसको मैंने एमसील से लगाया। कैसे लगाया वो सब मैं बता दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, फिर आपको डायरेक्ट मिलता हूँ आज तो मोटिव ब्लॉग में। ओके सो मेरे को रोटी बनानी आती है, यस, बट मेरे को आटा गूंदना नहीं आता। तो भाई देखो मैं हो गया हूँ रेडी, और बस मैंने सोचा यार कल सब्जी बनाई थी तो फिर रोटी भी बना लूँ क्योंकि काम ही आ जाएगी। और मैं वैसे मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना पहले रोटी ना बेल के रख लेता हूँ, क्योंकि मतलब जो स्पीड चाहिए होती है ना रोटी बेल के वापस यहाँ रखने के लिए वो मेरे को उतनी ज़्यादा मेरे में है नहीं। और दूसरी चीज मेरे से गोल रोटी बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला फैक्टर है। कभी कभी बन जाती है, वो लक बाय चांस वाली बात है, कभी कभी बन जाती है कभी कभी नहीं बनती है। तो मतलब ज्यादातर टाइम गोल रोटी नहीं बनती है, बट कभी कभी बन भी जाती है। आउच। बट डू यू नो द बेस्ट पार्ट, मेरी रोटी हमेशा फूलती है, बट अभी ये वाली नहीं फूलेगी क्योंकि इस वाली में थोड़ा सा मैंने एफ कर दिया है। ये देख रहे हो रोटी फूल गई भाई, देखो मेरे को यही तो मैं कह रहा हूँ, रोटी मतलब शेप देना भले ही नहीं आता हो तुम्हारे भाई को, लेकिन उसको हमेशा फुलाना मतलब एक सही शेप मतलब एकदम पकाना प्रॉपर बढ़िया तरीके से वो आता है हमें एकदम बढ़िया वाला। तो देखा जाए तो एकदम बढ़िया बन जाते हैं हमारी रोटी फूल के। चलो अब मैं ना आप लोगों को डायरेक्टली मिलूंगा कहाँ पे अब मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा सीधा मोटो ब्लॉग में। ओके हाँ ठीक है चल रहा है। तो भाई फाइनली अब हो गया हूँ मैं लेट, और लेट होने के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, कि आपको जाम में जाना पड़ता है, और अभी 36 हो गए हैं यार, पता नहीं कैसे पहुँचूंगा, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा बस वीडियो च। हाँ अच्छा लास्ट टाइम अगर आपने मेरा मोटो ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यार लास्ट मेरे ब्लॉग्स में देखोगे ना दिख जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने ना एक पॉइंट पे जाके बंद कर दिया था। वो बंद पता है मैंने वैसे अपना मेंटली करा था, मतलब मैंने मन में सोचा कि यार हो गया अभी, क्योंकि वो एक टेस्ट करने टाइप का ब्लॉग था मोटो ब्लॉग। बट बाद में मेरे को पता चला कि जैसे मैंने बंद करा ना उसके बाद मेरे मोबाइल की बैटरी मतलब बैटरी नहीं मेमोरी भी फुल हो गई थी। ठीक है यार अभी ना मेरे को टेंशन ज़्यादा इस चीज़ की हो रही है कि भाई मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि अगर लेट हो जाऊँगा तो यार मतलब क्या ही बोलूं उसके बाद। यार पता है अब जहाँ मैं आधा घंटा लेट हो जाता हूँ ना, मतलब जैसे मान लो अभी मेरे को 8 बजे निकलना था, मैं 8:30 निकला, मैं 8:20 पे था, लेकिन वो पेट्रोल डलवाना, ये स्कूटी का ये हेलमेट वेलमेट ठीक करना, इसमें मेरा 10 मिनट और लग गए। तो मेरे को पता है, मेरे को सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, जब से स्टार्ट हुई है ना मेरा काम, मेरे को अब मेरे को ना टाइम की रियल वैल्यू मेरे को थोड़ी समझ में आ रही है, क्योंकि अब लिटरली जो टाइम, क्योंकि देखो अपना अपना ऐसा हिसाब तो है नहीं कि यार अपना जॉब गए जॉब से वापस आ गए घर पे खाना मिल गया खाना बना लिया, ऐसा वाला अपना हिसाब है नहीं। मेरा हिसाब ऐसा है कि यार देखो सुबह अपन वर्कआउट सुबह उठते हैं वर्कआउट करते हैं, फिर वो भी आके, क्योंकि अभी तो मम्मी नहीं है तो खाना खुद बनाना पड़ रहा है, मम्मी जाएगी तो चलो खाना वाना तो मम्मी बना देगी, बट लेकिन अभी खाना भी बनाना पड़ रहा है, ठीक है, कभी कभी खाना नहीं बनाते तो फिर बिना खाना बनाए निकल जाते हैं, है ना, तो एक वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर कपड़े प्रेस करना ये सारी चीजें सेट करना, ठीक है, इसमें लेट हो जाता है। चलो ठीक है कोई नहीं, लेट करके थोड़ा जल्दी करके चीजें जल्दी निपटा के वो हो जाता है, ठीक है। आज मैंने वैसे मैं एकदम पहले ही कर देता हूँ कपड़े, बट ये तो तुम्हें पता ही है हेलमेट वेलमेट सब सेट करने में, कल तो मैंने खाना वाना सब्जी वब्जी बना रहा था ना, तो उसमें मेरा सारा टाइम निकल गया, कल हम अपनी टीम की मीटिंग कर रहे थे उसकी वजह से भी सारा टाइम निकल गया। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से ना हमें
अच्छी लग रही है भाई। कल मैं लिटरली ना तमाशा मूवी अगर आप लोगों ने देखी नहीं है ना, और अगर आप मतलब एक जॉब वॉब करते हो उन लोगों के लिए स्पेशली बनी है। जब मैंने पहले देखी थी तमाशा जब रिलीज हुई थी बहुत साल पहले, तब मैंने जब देखी थी ना, तब मेरा एक मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से उस टाइम हम मूवी देखते हैं। मतलब हर मेरा भी मानना है हर एज के हिसाब से हर बंदा मूवी को देखने का उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं जब हम छोटे टाइम अगर उस टाइम मतलब उस टाइम 3 ईयर रिलीज हुई थी जब मैं छोटा था, मान लो स्कूल के टाइम पर, अब उस टाइम हमने देखा था जब मैं 3 ईयर, तब मैंने उस टाइम इस वे में देखा था कि भाई कॉमेडी वे में हंसी आ रही है, मतलब हम एक कॉमेडी वे में देख रहे थे। सच बताओ जब मैं कॉलेज टाइम आया मेरा लिटरली रियलाइज हुआ, उस टाइम समझ में आया कि व्हाट्स द मोटिव ऑफ द उस मूवी का, क्या मोटिव था जो चेतन भगत की जो स्टोरी है जिसके ऊपर ये बनी है, चेतन भगत की नॉवल है जिसको ये मतलब मूवी बनी है 3 ईयर्स, उसका क्या मतलब मोटिव क्या था उसका, वो मेरे को अब समझ तब समझ में आया। हाँ तो जैसे मैं तमाशा मूवी देखी ना, तो मैं तमाशा अगर कोई अभी जो मेरी वीडियो दिख रहा है और उसको ये वाली बात सुनाई दे रही है, तो अगर आप जॉब करते हो मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक बार तमाशा मूवी अगर आपने पहले भी देखी है ना तो दोबारा देखना भाई साहब। उस टाइम हम मैंने जब भाई यार अरे यार वो वहां से भी वैसा हो गया, चलो कोई नहीं यार कोई नहीं, लगी तो नहीं ना किसी के भाई। भाई मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा यार, कसम से यार कसम से भाई बच गया बस यार। पता है क्या प्रॉब्लम हो गई अभी मैं बताता हूँ, वहाँ दो गाड़ी ना ऐसे जुड़ गई, अब मेरा ध्यान उधर था, उस जो बंदे ने बोला ना वो भी उसने सही बोला बात, उसने बोला कि भाई तुम्हारा ध्यान उधर था भाई, और सच में था यार वहाँ पे यार दो गाड़ी ऐसे ऐसे आके मेरे से चिपकने वाली थी, मैं उधर देखूंगा कि भाई उस तरफ देखूंगा, अब वो भी उधर से आ रहा था यार। मैं वही आपको मैं स्टार्टिंग में भी एक चीज क्या बोली थी कि ना जब आप मतलब ट्रेवल कर रहे होते हो टू व्हीलर पे, तो उस टाइम आपको दिमाग से आपको गाड़ी चलानी आती है, अपनी टू व्हीलर चलाना तो आता है गाड़ी को, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई मतलब यार इधर कैसे चलना है मेरे को, इधर कैसे चलना है, अब चीजों को ना हमें इसी हिसाब से सारी चीजों को देखते हुए चलना होता है यार। और भाई मैं भाई मेरे को बड़ा उससे ना ऐसा हो गया भाई क्या हो गया, अच्छा भाई वो बंदे ने मजाक नहीं कर रहा, उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है वो, और मतलब मैं बोलूंगा कि यार मेरी भी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि यार मैं अभी इधर यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे मेरी गाड़ी अभी ठुकने वाली थी, मैंने बस अचानक से रोक दिया, अगर मैं नहीं रोकता तो शायद मेरी उनसे ठुक जाती, उसने अचानक से इधर से ले लिया, अब मैं उधर देखूंगा पहले या फिर मतलब बैक साइड देखूंगा, वो भी ठीक है। अभी एक चीज गलत हो जाती है, मैंने उसको बोला क्या हो गया कैसे चला रहा है, क्योंकि अभी मेरे को भी ज्यादा नहीं लगी ठीक है, उसने रोक ली गाड़ी रोक ली जैसे, अब उसके बाद क्या हुआ उसने जब शीशा नीचे करा ना यार मेरे दिमाग से आया कि हो गया भाई अब हो गया पंगा अब होगी लड़ाई। मैंने कहा यार अब मेरा ना यार मैं सच बता रहा हूँ रोड रेज इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब पता क्या होता है रोड रेज की में क्या होता है कि यार दोनों पार्टी मतलब जैसे अगर मान लो हम दोनों की बात करें वो गाड़ी वाला और मैं, तो हम दोनों भाई एकदम एग्रेसिव वे में देखते हैं, एग्रेसिव वे में चलाते हैं सब कुछ, और उसके बाद ऐसे सोचते हैं कि भाई नहीं एग्रेसिव चलाते नहीं, अब मैं एग्रेशन में दिखाता अगर उसको कि भाई अब चल तेरी गलती है ऐसे टाइप करता अगर मैं, और वो भी बोलता है कि भाई तेरी गलती है ठीक है, हालांकि दोनों में से किसी की गलती नहीं, गलती थी जो सामने वाला बंदा था ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता फिर भाई वो बोलता। और मैं सच बता रहा हूँ मैंने लिटरली मैं एज अ एडवोकेट आपको बता रहा हूँ मैंने ऐसे रोड रेज के केसेस देखे हैं, मतलब न्यूज में रोड रेज में लड़ाई हो जाती है, लोगों को खून वून निकाल देते हैं लोग, मतलब कभी कभी तो ऐसे में होता है बंदा हॉस्पिटलाइज कर देते हैं लड़ाई लड़ाई में, और किस बात में कि भाई रोड में लड़ाई होगी क्या पता कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया कभी किसी ने कुछ बोल दिया या फिर ऐसी स्टार्ट होती है। अब अगर मैं वहीं इसको बोल देता इनकी अलग डिस्कशन चल रहा है, क्या हो गया क्या डिस्कशन चल रहा है भाई, अरे इन्होंने तो सही में 4 व्हीलर बना दिया भाई क्या बात है, चलो यार भाई मेरे को लेट हो रहा है तुम लोग अपनी बातें कर रहे हो, हद है भाई हम तुम लोग काम धाम वाले नहीं हो गाम वाले यार भाई चलो यार। अब यार देखो यहाँ पे भी जाम हो गया आज भाई, होने वाला हूँ मैं लेट, वही है भाई देख मैं मैक्सिमम 20 मैं मतलब 8:20 पे मैक्सिमम निकलूंगा तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन भाई जहाँ मैं 8:20 से थोड़ा सा भी लेट मतलब वहाँ जो 25 हो गए तो वहाँ हो गया पंगा। अब जैसे मान लो मैं निकला 8:20 पे था सही, लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हो गई प्रॉब्लम कि मैं 20 में पेट्रोल डलवाने लग गया,
पेट्रोल डलवाने के बाद मैं ये करना, मैं ना कल रात को कल आधे टाइम में डलवाने वाला था, पेट्रोल पंप निकल गया ना तो मेरे याद आया अरे यार पेट्रोल, फिर मैंने कभी यार सुबह डलवा लूंगा, सुबह हम वैसे भी जल्दी निकलती है यार। मेरी ये थ्योरी मतलब मेरी ये मतलब फिलोसफी है कि भाई मतलब ये बात लोगों की और की भी होगी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेट यू कम अर्ली, ठीक है जल्दी आ जाओ लेकिन लेट नहीं आना। और बस यही था, अब आपको मिलता हूँ भाई वापस आते टाइम छोटे मोटे मोटे ब्लॉग्स बनाते हुए। अब ये ठीक है। तो भाई लोग एक मैं एक बात बताता हूँ कि मैं घर आ गया था, मैं और बहुत ज्यादा थक गया था और आज भाई मैं बच गया एक्सीडेंट होने से, मतलब आपने अगर वो देख ही लिया हो तो भाई, लेकिन बहुत कसम से मैं इस ऐसे पॉइंट पे बचा ना, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। चलो भाई अभी ना आज का ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ यही खत्म करते हैं क्योंकि कल है हमारी जन्माष्टमी और जन्माष्टमी को करेंगे हम बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से सेलिब्रेट। पता कैसे, हम मैं अपने अपना पूरा पूरा जो हमारा मंदिर है उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको सजाएंगे और मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से, तो आज मैं पापा को बोलूंगा कि बाबा फूल लेकर आना, तो बाबा फूल वूल लेकर आएंगे और हम पूरा बढ़िया तरीके से अपने मंदिर को सजा देंगे और जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। और सिर्फ मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ घर पे ही नहीं सेलिब्रेट करूं, मैं जाऊं किसी बढ़िया से जैसे एक अपना मंदिर मतलब अपने मंदिर में जाऊं, या फिर हम तो यहाँ पे मेरे घर के पास में ना इस्कॉन टेम्पल भी है, थोड़ा सा दूर मतलब दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, तो इस्कॉन टेम्पल है मैं शायद वहाँ भी जा सकता हूँ, बट फिर जन्माष्टमी है ना तो वहाँ शायद भीड़ बहुत ज़्यादा हो, पर जो भी है यार देखो इस बात मेरे घर की ये कि व्यू बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा, तो आपको अगर ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ से आपको इस्कॉन टेम्पल भी दिख जाएगा मेरे घर से। पर जो भी है हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं भाई अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ अलग मस्ती करते हुए कुछ बढ़िया करते हुए। कल है मेरी छुट्टी, आज आराम से सो पाऊंगा, एक अच्छी नींद ले पाऊंगा बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से। और मैं जैसे मैं ना ब्रेसल्स की बात करूँ ना, तो ये ब्रेसल्स हैं मैंने शायद अपने सेकंड ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने ब्रेसल्स के बारे में बताया था, तो बट मैं जैसे ब्रेसल्स है ना अभी जो सेकंड डे था, सेकंड डे थोड़ा सा इस वाले दांत में दर्द हुआ था, मैंने आपको शायद बताया भी था, लेकिन अब ना ऐसा दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार दर्द हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि दर्द होगा तो थोड़ा सा ना ये एक चीज़ होती है ना कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई सही जा रहा है, अब मेरे को दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे को खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए तो जो भी है। बट मेरे को ऐसा मेरे डेंटिस्ट ने बोला है कि विद इन अ ईयर मतलब एक साल के अंदर अंदर हमारा पूरा जो ये पूरा प्रोसीजर है दांत का दांत स्ट्रेटनिंग का ये पूरा हो जाएगा। तो ठीक है यार एक साल तक मेरा बहुत टाइम से ऑलरेडी मन भी था कि यार हम ऐसे मतलब स्ट्रेटनिंग करेंगे। अभी की बात करूँ तो हमारा जैसे ना लास्ट में ब्लॉग एंड कर देता हूँ, बट मैं अभी आया था तो मेरे खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने चाय बना दी थी, साथ में जो पनीर बचा था उसको मैंने गर्म कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास थोड़े कुछ और आइटम थे छोटे नमकीन रस मतलब ये क्या था मैं नाम भूल गया, बिस्किट भी थे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हैं कुछ बढ़िया सा ज़बरदस्त करते हुए। टिल देन बाय सी यू टाटा एंड लव यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुशी बांटो।